साल के होंगे ना अपने लिए टाइम निकालेंगे, शादी होगी, फिर हमने कहा 30 साल के होंगे अपने लिए टाइम निकालेंगे, फिर बच्चे हो गए, हम जा रहे थे इंजॉय करने, लेकिन वो तो हुआ नहीं। हमें रास्ते में एक पॉडकास्ट नजर आ गया एक बंदे का, हमने कहा उसका पॉडकास्ट करते हैं, उसको भी फौरी 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 पॉडकास्ट में लेके जा रहे हैं। इस तरह भी होता है। क्या हाल किया हुआ अभी? क्या एक जूती और ये नया फैशन है? घर में आए हैं तो आते साथ मुझे मिली है सवैये, ठीक है, छोटे बच्चे के मम्मा ने बनाई है सवैये। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक हो गया आपका उज़्मा की दुनिया पे, और आज का व्लॉग बड़ा दबंग है यार। तारे को बता रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम नया व्लॉग अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मौसम बड़ा अच्छा है, चटपटा सा है। मैंने कहा मुन्ना तो गया कॉलेज, आज वो मेरे हत्थे भी चढ़ने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आज खुद ही अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। तो आज का व्लॉग बड़ा एंजॉय करने वाला, सबसे पहले तो हम पौधों को देखते हुए करते हैं एंजॉय, उसके बाद बाहर होने लगी है बड़ी ज़बरदस्त सी बारिश, तो बादल बहुत आ चुके हैं और पौधे भी यहाँ पे लहरा रहे हैं, बड़े खूबसूरत हो रहे हैं पौधे भी, और अगर देखा जाए तो लेमन उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो जनाब अली आए मेरे साथ, कहीं ना वक्त गुजार के आती हूँ, इंजॉय करके आती हूँ, अपनी ज़िंदगी अकेले जी के आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ जीने, ज़िंदगी मेरे साथ साथ चलिए। आज का व्लॉग बड़ा दबंग है, कर ले सबसे पहले सब्सक्राइब आ जाए, ये भी वक्त निकालना चाहिए। तो मैंने कहा मौसम हो गया अच्छा, फटाफट पकड़ते हैं बैग और आराम से हम चलते हैं बाहर। मीर भाई मौसम अच्छा हो गया तो मैं तो जा रही हूँ बाहर, सारी ज़िंदगी अपने लिए बंदा वक्त नहीं, और मैं अपने अबे को साथ ले गया ना, अबू जी तो चले गए कब्र में, वो नहीं आने वाले, मैंने उनके पीछे जाना। हाँ जी आज जाना है। तो मैंने कहा मीरव का ना, मीरव का यूनिफॉर्म भी वापस करते हैं, और ज़िंदगी में अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, वो तो सारी ज़िंदगी निकलना। हमने कहा 20 साल के होंगे ना अपने लिए टाइम निकालेंगे, शादी होगी, फिर हमने कहा 30 साल के होंगे अपने लिए टाइम निकालेंगे, फिर बच्चे हो गए, फिर कहा 40 साल के हो जाएंगे अपने लिए टाइम, तो 40 साल के हो गए, 41 चले गए अपने लिए टाइम, नहीं तो जो है अभी निकालने गिटियों गोटियों रह के मर जाएंगे, कुछ नहीं लगना, फिर कब्रों की तैयारियाँ हो जाएंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों के ब्याह हो जाएंगे, हमारे लिए टाइम बढ़ जाएंगे। मौसम अच्छा है, इंजॉय करते हैं। आए जी चलते, आए जी, बाहर का मौसम का नज़ारा क्या बात है। ये पौधा पता नहीं किस चीज़ को, देखें बड़ा प्यारा पौधा मेरे घर में आया, ऊपर से पानी आना शुरू हो गया। ओहो हो, देखें गुर्बत की इंतहा, देखें पाइप टूटा और पानी कहाँ से, नहीं ये सूख गया था ना, ये दोबारा ग्रो हो रहा है। ये देखें ये खुद ही उगा, ये पता नहीं किस चीज़ का है। चल नजारा है मौसम का, ओह माय गॉड, ओह हो इतने बादल आए हैं मेरे भाई। चले चले देखें जी, यूनिफॉर्म को चेंज किया तो कह रहे हैं 100 रुपया दें, मैंने कहा 100 रुपया आप उल्टा मुझे दें कि मैं जाके चाय पीऊं, मौसम अच्छा हो रहा है। 36 है, थैंक यू आपका शुक्रिया। चले नवीद भाई पकड़े, चले हम जा रहे थे एंजॉय करने, लेकिन वो तो हुआ नहीं, हमें रास्ते में एक पॉडकास्ट नजर आ गया एक बंदे का, हमने कहा उसका पॉडकास्ट करते हैं, उसको भी फौरी 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 पॉडकास्ट में लेके जा रहे हैं। इस तरह भी होता है। वो देखो जरा, देखो तो सही जरा, ये देखो। क्या हाल किया हुआ अभी? क्या एक जूती और ये नया फैशन है? आपने क्यों व्लॉग बना लिया? देख ले विकास भाई, ये भी व्लॉग में दिखाने वाली कोई चीज है, है कि नहीं? ये देख गुर्बत मेरी तो मजाक उड़ा रहे हो, नहीं भूल गई होंगी, इसके साथ की एक गुम हो गई जूती और इसके साथ का टूट गया, तो मैं क्या करूं, स्कूल में मैं क्या पहनूं, तो भी मैंने ये दोनों पहने हुए, कोई बात नहीं, खैर अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह, मैं ब्रांड का जूता पहनूंगी एक दिन, आएगा जिंदगी में जरूर इंशाल्लाह। आप ही हैं मैं बेबी, देखे क्या बन रहा है, सरप्राइज है ये, सरप्राइज दिखाओ जरा सी झलक, कुछ तो है ये दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपने मेरा जूता दिखा के व्यूवर्स, ये ना अचानक से इन्होंने बना ली वीडियो, कसम से मैंने नहीं कहा, हम तो बोतल एंजॉय कर रहे थे, बोतल एंजॉय, मेरे अब्बू ने बोतल मंगवाई है,
मेरी अचानक नजर पड़ी, मैं जरा कैमरा खोल के बनाऊंगा। वो असल में पता ही है बात है, ये ना इसलिए ये इसके साथ का टूट गया और इसके साथ का मुझे लगता है टूट गया, यहाँ गुम हो गया, नहीं टूट ही गया, तो अब क्या करूँ, है ही कोई नहीं, तो फिर मैंने यही पहना। घर से ही ऐसी आई है? नहीं घर से, मैंने पहना एक दिन आ गई थी रस्ते में, फिर आगे मुझे याद आया चिंगचिंग में मैं अपने पप्पू छुपा रही थी। अच्छा क्या करूँ, खैर मैं सिंपल सा बंदा हूँ, मेरे अंदर बनावट कोई नहीं है, बनावटी नहीं हूँ, रियल हूँ। घर में आए हैं तो आते साथ मुझे मिली हैं सवैये, ठीक है, छोटे बच्चे के मम्मा ने बनाई हैं सवैये। छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा, ये मम्मा का छोटा बच्चा, मम्मा घर आ गई, मम्मा आ गई घर, आते आते हंसते हंसते बच्चा मिला मुझे, मम्मा उठा लो मुझे, मुझे उठा लो, खाना खाया, सवैये खाई, चलो आओ सवैये खाए, आओ सवैये खाए, खानी सवैये, मीरू आप भी ले लो, मीरू को भी ले लो, मीरू भी ले लो, मेरी बहनों का ख्याल रखा था सारा दिन, बहनों का ख्याल रखा था, छह बहनों का ख्याल रखा था। जी मेरी प्यारी सी YouTube की फैमिली, वेलकम बैक हो गया फिर से। तो इस टाइम मैं आती हूँ घर, रात हो जाती है, सुबह हो गई हुई, यानी कि सुबह 7 बजे मैं मुन्ने के साथ ही चली गई थी और इस टाइम आई हूँ। थकावट और दर्दें पता आपको, आना जाना, यानी कि यहाँ से हमारे घर से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर का सफ़र है मेरा ख्याल है, सुबह जाना फिर रात को आना, बड़ा मुश्किल है लेकिन काम तो करना है ना। तो इस टाइम आते थे जब बच्चे मिलते हैं ना सारे मुझे हंसते हुए गेट पे, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, तो बड़ा सुकून मिल जाता है। वो जो छोटू सा गोलू सा है, अभी मैंने उसको नीचे छोड़ा, वो बड़ा प्यारा है वो आते साथ ही ऐसे बाजू कर लेगा, और अभी उसको बोलना तो नहीं आता क्योंकि 8 माह का है, बैठना शुरू हो गया, ये अल्लाह का शुक्र है बैठना शुरू हो गया। वो आते साथ ही सारे बच्चे मिलेंगे, मीरब, लिशबा, मरियम, छोटा बच्चा और ये सबसे छोटा बच्चा, तो बड़ा ना खुशी हो जाती। अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, हम यही सोचते हैं कि हम अपने लिए वक्त निकालेंगे, ठीक है, नहीं निकलता, मेरे से भी नहीं निकाला जाता। फिर हम कहते हैं हमारी शादी हो जाएगी, फिर कहते हैं कि 2-3 साल बाद वक्त निकलेगा, अभी बच्चा हो गया है छोटा बच्चा, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर और बच्चे हो जाते हैं, फिर कहते हैं थोड़े उससे बाद बड़े हो जाए ना, फिर चलेंगे कहीं, फिर अपने लिए वक्त निकालेंगे, नहीं होते, वक्त नहीं निकलता। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की फिर बड़ा हो के फिर और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, अगर बेटियाँ हैं तो घर में उनका ख्याल रखना, बेटा भी है टीनेज में तो उसका ख्याल रखना, और अपने लिए इंसान से वक्त निकलता ही नहीं है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी यानी कि हमने जो है ना वो सैक्रिफाइस कर देते हैं अपना सारा कुछ, अपने बच्चों के नाम, शोहर के नाम, ससुराल के नाम, घर वालों के नाम, अपने लिए कभी वक्त निकलता ही नहीं है। यानी कि अगर मर्दों को भी देखा जाए तो वो भी मोस्टली काम ही कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो अपने लिए कभी भी कोई सोचता नहीं, बस यही सोचते सोचते ना फिर बच्चों की शादियों का वक्त आ जाता है, शादियां करके फिर कहते हैं चले 40-50 साल के भी हो जाएंगे ना तो वक्त निकाल के कहीं ना कहीं चले जाएंगे, कोई मज़े के कपड़े पहनेंगे, कोई मज़े का खाना खाएंगे, मज़े का मौसम इंजॉय करेंगे, हवाओं से बातें करेंगे, परिंदों को उड़ता देखेंगे, फूलों को खिलता हुआ देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वक्त फिर भी नहीं निकलता। फिर एक दिन वक्त आ जाता है उस खाल के हकीकी से मिलने का, तो फिर हम चले जाते हैं और हमने कोई भी तैयारी नहीं की होती और अचानक से बुलावा भी आ जाता है, ठीक है, कोई पता नहीं मौत कब आ ले। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने ये कल से सोचा है कि स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से बीमारी बढ़ती भी है, तबीयत भी खराब होती है। जितना मर्जी हम स्ट्रेस ले लें, जितनी मर्जी हम टेंशन ले लें, जितना मर्जी हम रो लें, वक्त जो है उसने गुजर जाना है, और हमारे स्ट्रेस लेने से, हमारे रोने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते रहे तो बंदा सारा दिन बैठ के रोता रहे, जितना लाइफ में मैंने रोया शायद ही कोई रोया हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो वैसे एज इट इज़ रहती है। इसके लिए हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अपनी 5 वक्त की नमाज कायम करनी चाहिए, जिक्र अजकार करने चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए, किसी और से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, और अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है, नहीं बेहतरीन करता है। अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। फिर गोड्यों गिट्टियों रह गए थे, अब कितने जाना है, मैं तो अभी से रह गई हूँ, 40 साल की उम्र में मेरा शर देख ले क्या हो गया, तो मेरे तो अभी से इतने दर्द करते हैं हाथ पाँव, मैं आपको बता नहीं सकती, यानी कि दर्दें मुझे इतनी होती। इस टाइम मैं आती हूँ तो मुझे होश नहीं होती, ईशा की नमाज मैंने आज ऑफिस में पढ़ ली थी,
तो अब आके तो मैं लेट जाऊंगी और सो जाऊंगी फिर सुबह फजर टाइम उठ के। तो वो ये जो 3-4 घंटे की नींद होती है, 5 घंटे की, यही सिर्फ अपने हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 24 घंटों में से अगर बंदा 1 घंटा भी अपने लिए निकाल लेना, कहीं बाहर खुद ही निकल जाए, जरूरी नहीं है कि किसी के साथ जाए, कुछ करें, कहीं कोई जूस पी लें जाके, कहीं पे कोई कुछ भी करें। मैं जाने की आज कोशिश की थी, मौसम बड़ा था अच्छा, मैंने कहा चलते हैं बाहर, लेकिन रास्ते में मुझे एक स्टोरी नज़र आ गई तो मैं फिर फौरी तौर पे वहीं से वापस आ गई उस स्टोरी को। मैंने कहा करते हैं चल के, आपको पता है फिर स्टोरी भी करनी है और मेन चैनल के ऊपर डाल के उसको अपलोड करके वहाँ से इनकम आएगी, तो कई लोगों की उम्मीदें भी साथ जुड़ी हैं, वो भी चलेंगी, तो इसलिए फिर मैं वापस आ गई। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने लिए वक्त ना ज़रूर निकालें, चाहे आधा घंटा ही डेली निकालें, उसमें खुश हों, अंदर से खुशी फील करें, चेहरे पे स्माइल लाएं और अच्छा सा सोचें, अच्छा गुमान करें, पॉजिटिव सोचें और सांस लंबी लंबी लें, कोई जूस पी लें, कुछ दिल कर रहा है कुछ खाना, कोई चिप्स का पैकेट तो नहीं कहूँगी उससे मैदा ख़राब हो जाता है, कोई भी फ्रूट ले लें कुछ भी, लेकिन उसको फील करके खाएं आधे घंटे के लिए, कहीं साथ ही कोई गली बाजार है तो उधर चले जाएं, अपने आप को हवाओं में उड़ाएं और ज़िंदगी जिएं, क्योंकि ज़िंदगी की शाम कब हो जाए कुछ पता नहीं, और ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, इसको एंजॉय करें। क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी बड़ा स्ट्रेस लिया है, स्टिल नाउ मैं अभी तक भी ले रही हूँ, और अब मेरा दिल करता है कि नहीं मैं अपने आप को इससे रिलैक्स करूँ, तो रिलैक्स हो जाइए, अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखिए और अपने हिस्से की मेहनत कीजिए, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेंगी। और मुझे उस हॉस्पिटल को बनते हुए देखना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इस हाथ में इतनी दर्द है कि मोबाइल भी सही से पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगी, आखिरी सांस तक, आखिरी खून का कतरा भी मेरा उस हॉस्पिटल के लिए कुर्बान। आप लोगों ने दुआएं करनी है, सब मिलके उसके अंदर एक ईंट लगाएं ताकि वो जल्दी से तामीर हो, फिर उसमें प्यारी प्यारी सी माएँ आएँ, बच्चे आएँ, हम उनको देख के खुश हों। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं फिर।